हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन बोलबी के अध्ययन का एक आश्चर्यजनक परिणाम। जॉन बोलबी ने बताया कि माँ के प्यार की कमी बच्चे को अपराधी बना सकती है। ओके, तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आखिर उनकी स्टडी किस चीज पर थी और आखिर उन्होंने ये क्यों कंक्लूड किया। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जानने के लिए कि आखिर माँ के प्यार का क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो पहले हम जानेंगे कि जॉन बोलबी कौन था। जॉन बोलबी एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिस्ट, ओके, और उसने बच्चों के डेवलपमेंट पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम किया था। ओके, तो अब हम जानते हैं कि आखिर जॉन बोलबी ने क्या स्टडी की थी। तो जॉन बोलबी ने बताया हमको कि एक शब्द होता है रेसिडिविज्म। ओके, इसका मतलब होता है कि किसी भी अपराध को करने की बारंबारता। जैसे कोई अपराधी है, उसने कोई अपराध किया, वो जेल में गया, फिर जेल से बाहर निकला अपनी सजा काट के, फिर से अपराध कर दिया, फिर से जेल गया, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रेसिडिविस्ट। ओके, यहाँ पर टी लगा दो और इस प्रोसेस को और इस उसको बोलते हैं रेसिडिविज्म। ओके, तो उसने क्या स्टडी किया इसमें, ऐसे जो लोग जो अपराध की बारंबारता का शिकार हैं, उसने ऐसे सारे लोगों की लिस्ट बनाई और उसमें देखा कि आखिर इन लोगों में क्या कॉमन है। ओके, और उसने ये पाया कि इन सब लोगों में एक कमी थी कि उनको बचपन में माँ का प्यार ढंग से नहीं मिला। उसका कुछ भी कारण हो सकता है कि या तो जो परिवार था, या तो माँ नहीं थी उस समय किसी कारणवश, या परिवार था वो थोड़ा डिफंक टाइप का था, मतलब सही नहीं था किसी कारणवश, तो उसके कारण वो क्या हुआ कि उनमें धीरे 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 माँ का प्यार नहीं था। ये एक कॉमन चीज उन्होंने अपनी स्टडी में पाई। अब सेम चीज हमको महात्मा गांधी ने बताई थी। उन्होंने बोला कि मेरी दो माँ हैं, एक तो पुतली बाई थी और दूसरी उन्होंने गीता को अपनी दूसरी माँ माना, क्योंकि जब मोहनदास करमचंद गांधी जब छोटे थे तो उनकी माँ पुतली बाई ने उनको उनको ये कंठस्थ थी गीता, तो वो क्या करती थी कि श्लोक गाती रहती थी गीता के, तो उनको वो गीता इस तरीके से उनके अब चेतन में चली गई कि उन्होंने बोला कि गीता इज नॉट ओनली माई बाइबल और माई कुरान, इट इज मोर देन दैट, इट्स माई मदर। तो महात्मा गांधी ने बोला कि गीता उनके लिए केवल एक पुस्तक नहीं थी, ये एक माँ थी। तो ये दोनों स्टडी हमको बताती हैं कि माँ का प्यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो बचपन में किसी को नहीं मिले तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो अपराध की तरफ चला जाएगा। तो इसीलिए माँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा हमको उसको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो आपको बहुत ही ये चैनल आपको बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सिखाए। ओके, तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।